हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों दोस्तों आज की अगर हम बात करें, बिना किसी विशेष भूमिका के शुरुआत करते हैं, अगर हम आज की वीडियो में बात करें दोस्तों, तो आज हम एक बड़ा नए टॉपिक पर आपसे बात करें, जिस टॉपिक का नाम है स्टैटिक जी के। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, हमने उसको नाम दिया है स्टैटिक जी के। स्टैटिक जी के का मतलब होता है जी के की एक ऐसी परंपरा है, जैसे हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, इकोनॉमी होता है, साइंस होता है, लेकिन इससे अलग भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, उनको हम स्टैटिक जी के कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कब, कौन, कहाँ, क्या, कैसे, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं ना, तो उनकी बात करेंगे। तो स्टैटिक जीके का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है स्टैटिक जीके फॉर ऑल एग्जाम। ऑल एग्जाम का मतलब है यह सभी प्रकार के एग्जाम में काम आता है, इसका कोई सिलेबस में नहीं होता, आपको ये बता दिया जाए। स्टैटिक जीके का कोई सिलेबस नहीं है, कहीं से भी लिया जा सकता है, कोई भी इसका एक सिस्टम नहीं हो सकता कि नहीं साहब इसको वहीं से शुरुआत करना पड़ेगा। स्टैटिक जीके मतलब कब, कौन, कहाँ, कुछ ऐसे तथ्य हैं, फिक्स हैं, ऐसा नहीं स्टैटिक जीके है तो कहीं से भी आ सकता, नहीं, फिक्स है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिक्स चीजों की बात करेंगे, और उन फिक्स चीजों के अंतर्गत आज हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है, प्रमुख दिवस। दोस्तों अगर आप थोड़ी बहुत सी एकदम से सिंसियर रूप से तैयारी कर रहे हैं आप, तो देखेंगे ऐसी कोई परीक्षा नहीं जाती है, चाहे एसएससी हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, इन सब परीक्षाओं में जो है और एक दिवस जरूर पूछा जाता है। तो देखो दोस्तों, साल में 365 दिन है, 365 में से 365 दिन हो सकते हैं, तो हम सारे दिन तो याद करना हमारी बस की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं एक एग्जाम की तैयारी करता हूं, मैं भी यूपीएससी के एग्जाम देता हूं, अदर एग्जाम भी देता हूं, तो एज ए स्टूडेंट होने के नाते कौन कौन से क्वेश्चन अब तक पेपर में पूछे गए हैं या कौन कौन से अब तक दिवस आए हैं पेपर में, और वो उनको मैंने एक जगह एकत्रित किया और को देखा और उन्हीं को आपको मैं पढ़ा दे रहा हूं। दोस्तों ये दिवस इतने अगर आप इनको याद कर लेंगे तो आपको और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप कहेंगे क्या सर इन्हीं में से फंसेगा, अगर इनमें से नहीं फंसेगा तो जो दिवस पूछा जाएगा उसके तीन ऑप्शन आप इनमें से क्लियर कर देंगे और चौथा ऑप्शन आप टिक मार देंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। पहला दिवस है 9 जनवरी, तो 9 जनवरी है प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों। अब इनकी थीम क्या है, क्यों मनाया जाता है दोस्तों, ये तो केवल बेकार की बातें हो जाएंगी, जीएसई हो जाएगी, फिर स्टैटिक जीके का मतलब नहीं है, ठीक है। हालांकि हम सब बता सकते हैं आपको इसके बारे में, लेकिन स्टैटिक जीके का मतलब है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात इसमें हम करेंगे, ठीक है। हाँ, तो इनको पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, विस्तार में हम अपने टॉपिक में इसकी चर्चा करेंगे करेंगे। तो पहला 9 जनवरी को है प्रवासी भारतीय दिवस। दूसरी बात 12 जनवरी की अगर बात करें तो राष्ट्रीय युवा दिवस, कौन सा दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस। अगर बात करें 15 जनवरी की तो थल सेना दिवस दोस्तों। 25 जनवरी को मनाया था दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस, और 4 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों विश्व कैंसर दिवस, कौन सा, विश्व कैंसर दिवस। 28 फरवरी होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 8 मार्च होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 21 मार्च होता है विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च होता है विश्व जल दिवस। 18 अप्रैल होता है विश्व विरासत दिवस। तो ये सारे दिवस आपको याद होने चाहिए दोस्तों। आगे बात करें 22 अप्रैल की तो पृथ्वी दिवस। 1 मई की बात करें तो विश्व श्रमिक दिवस यानी वर्ल्ड लेबर डे। 22 मई की बात करें तो जैव विविधता दिवस यानी बायोडाइवर्सिटी डे। 21 जून की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 11 जुलाई की बात करें तो विश्व जनसंख्या दिवस। 29 जुलाई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ये सुपर टेट में पूछा गया दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, और आई थिंक ये विश्व जनसंख्या दिवस वाला ही पूछा गया था जो लास्ट सुपर टेट हुआ था। 12 अगस्त कौन सा है, विश्व युवा दिवस। 29 अगस्त कौन सा है, राष्ट्रीय खेल दिवस। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, और 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस, और 21 सितंबर हो गया दोस्तों हमारा विश्व शांति दिवस दोस्तों, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपके समस्त दिवस की बात कर ली, एक बार देख लेते हैं सारे दिवस क्रम से, हमने बात कर ली 9 जनवरी को क्या है और कैसे कैसे है दोस्तों, ठीक है। हाँ चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ और दिवसों को लेकर के, अगर हम बात कर लें दोस्तों, ठीक है, जैसे कुछ और दिवसों की चर्चा यहाँ पे दो चार दिवस और कर लेते हैं साहब, जैसे दो चार दिवस की और बात करें दोस्तों आगे, जैसे अगर हम बात कर लें 10 दिसंबर, कौन सा बात कर लें, 10 दिसंबर बात कर लें, तो 10 दिसंबर में अगर हम बात करें, ठीक है चलिए, तो हमने कहा कुछ और दिवस इससे आगे 21 सितंबर से कुछ और दिवस की चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला है 10 दिसंबर, तो 10 दिसंबर को होता है मानवाधिकार दिवस, कौन सा दोस्तों, मानवाधिकार दिवस। 23 दिसंबर होता है किसान दिवस, ये चौधरी चरण सिंह के ऊपर मनाया जाता है दोस्तों। 4 दिसंबर होता है हमारा नौसेना दिवस। 1 दिसंबर है दोस्तों हमारा विश्व एड्स दिवस।
16 अक्टूबर को होता है विश्व खाद्य दिवस, 9 अक्टूबर को होता है विश्व डाक दिवस, 8 अक्टूबर को होता है वायुसेना दिवस, 5 अक्टूबर को होता है दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस। दोस्तों कौन सा? विश्व शिक्षक दिवस दोस्तों, ठीक है। तो आज की स्टैटिक जीके के लेक्चर नंबर फर्स्ट में आज हमने बात कर ली आपसे प्रमुख दिवसों के बारे में। एकदम से भरोसा रखेंगे और आप ये सारे दिवस याद कर लेंगे दोस्तों, और यही आपके पेपर में आएंगे एकदम से। और डायरेक्ट अगर ये पेपर में नहीं आएगा तो जो चार ऑप्शन आएंगे उनमें तीन ऑप्शन इनमें से जरूर लेंगे, ये गारंटी की बात है। जैसे आपको बताइए, दो क्वेश्चन सुपर टेट में आ चुके हैं, और ये जो खाद्य दिवस 16 अक्टूबर खाद्य दिवस, ये भी सुपर टेट में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, आगे और सुपर टेट के लेक्चर को, सॉरी स्टैटिक जीके के लेक्चर को आगे बढ़ाते रहेंगे, कुछ और नया लेकर के आएंगे। क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि इनका कोई सिलेबस नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, बस कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ठीक, चलिए।